क्योंकि सर इतनी कंपनी में कर्जा होने के बाद और इतनी इसके अंदर जो चीज़ें चलती रहती हैं न्यूज़ के दौरान, ये ऊपर नीचे होता रहता है, उसके बाद भी ये अपनी स्थिति में ये खड़ा रहा और काफ़ी ऊपर जाने की ये कोशिश भी उसमें लगा रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया अब धीरे 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 अपने कर्जे को समाप्त करेगा और वो कर्जा जिस दिन इसका हल्के हल्के समाप्त होगा उसके बाद ही इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। वोडाफोन आइडिया को सर दिसंबर से मार्च तक बॉन्ड धारकों के 64,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। ये 14,000 करोड़ रुपए इक्विटी के अतिरिक्त है जो प्रमोटर द्वारा कंपनी में लगाई जाएगी। तो समझिए सर, सारे इशारों को समझिए। अब वोडाफोन आइडिया पहले बॉन्ड धारकों के कर्जे जो हैं उसको निपटाएगा और उसके बाद ही ये आगे की स्थिति आपको एक अच्छी सी दिखाएगा, जरूर दिखाएगा सर। मेरी बात एक चीज़ आप समझ लो सर, धीरे 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 इतनी गिरती हुई मार्केट में भी आपको एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि आपके शेयर ही बिल्कुल लाल नहीं है सर, सबके पोर्टफोलियो ही लाल हो रहे हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे आपने इस मुसीबत में अपने को संभाल लिया सर, फिर आप एक पक्के बिल्कुल मार्केट के नॉलेज वाले बन जाओगे और मार्केट को समझकर ही आप पैसा कमाओगे सर। न्यूज़ निकल कर सर और आ रही है, 5G आने में इंडिया में देरी हो सकती है क्योंकि ट्राई ने डॉट के साथ एक बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कुछ मूल्य को पुनर्निर्माण किया जाए, यानी कि कुछ मूल्यों पे बात की जाए कि क्या बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। इन्होंने ये डॉट के साथ बात करनी शुरू कर दी है और मार्च 2022 तक के इसमें ये बात करेंगे, यानी कि 2022 मार्च के बाद ही 5G आने की कुछ संभावना में नज़र आएगी। अभी तो सिर्फ ट्रायल हो रही है, इसमें भी एक देरी हो चुकी है जो वोडाफोन आइडिया के लिए भी एक निगेटिव न्यूज़ हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वोडाफोन आइडिया ने सर अपने जो गाँव के जो कस्टमर होते हैं पकड़ होती है उसे खो दिया है और जियो बन गया राजा शहरी राजा, यानी कि शहर में जियो राजा बन गया है। मैं आपके सर अच्छी भी हो सकती हैं बेकार भी हो सकती हैं, और जो इन चीज़ों को समझ जाता है वही शेयरों से पैसा कमाता है। जब तेज़ी में मैंने आपको मना कर दिया था कि अभी इसके अंदर तेज़ी सर बिल्कुल उस चीज़ों से नहीं हो रही है जिस चीज़ों से हमें पता लगना चाहिए। तो समझिए सारे इशारों को और सब इशारों को समझ कर ही सर वोडाफोन आइडिया में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में अगर आप अपने दिल तोड़ देंगे तो वोडाफोन आइडिया क्या सर किसी भी शेयरों से आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, इतनी मेरी बात आप समझ लेना सर। और सारी की सारी न्यूज़ सर अब इसी तरीके की आ रही है कि वोडाफोन आइडिया अपने बॉन्ड धारकों के कर्जे उतारने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है, यानी कि वो कर्जा उतारने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है। अभी फंड आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, पहले बॉन्ड धारकों को इस कंपनी के द्वारा देखा जाएगा और उसके बाद ही इस कंपनी में जो अगला स्टेप होगा वो न्यूज़ के द्वारा ही आया जाएगा। यानी कि ये साफ साफ जताया जा रहा है कि अभी वोडाफोन आइडिया में कुछ दिन तक के इसी तरीके से चलता रहेगा और कहीं पर एक बीच में से न्यूज़ आकर ही उस शेयर को ऊपर तक ले जाएगी। एक